सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपकी ये फुलवारी हिंदी रीडर शुरू करने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर है बड़े चलो। ये कविता है बड़े चलो। इसके लेखक हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यहाँ एक वीर जो सैनिक जो देश के लिए सीमा पर जो मर मिटने के लिए तैयार है, उस वीर के लिए कहा गया है कि वीर तुम बड़े चलो, कि हे वीर तुम निरंतर आगे की तरफ बढ़ते चलो। धीर तुम बड़े चलो, धीर यानी शांत चित्त होकर के तुम अपने देश के लिए लड़ने के लिए, अपने देश की खातिर हमेशा आगे की तरफ बढ़ते चलो, यानी कभी पीछे की तरफ मुड़ करके नहीं देखना है। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में क्या हो तुम्हारे? पताका हो, झंडा हो। हाथ में क्या हो? ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, और बच्चों का समूह है वो हमेशा सजा रहे, यानी बच्चों का समूह इकट्ठा होकर के हाथ में ध्वजा लेकर के और आगे की तरफ बढ़ता रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। जो हमारा जो ध्वज है, जो हमारा झंडा है, वो कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, और जो बाल बच्चों का जो समूह है वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हे वीर, हे सैनिक, तुम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए आगे की तरफ हमेशा बढ़ते चलो। धीर तुम बड़े चलो, शांत चित्त होकर के आगे की तरफ बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने चाहे कितनी भी पहाड़ की चोटी क्यों ना आ जाए, चाहे शेर की दहाड़ क्यों ना हो, यानी कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, कभी भी समस्या क्यों नहीं आए, लेकिन हमें निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहना है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम बिना किसी डर के और वहां से हटना नहीं है। तुम निडर डटो वहीं और बिना किसी डर के वहां पर डट करके मुकाबला करना है, उन शत्रुओं का सामना करना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हे वीर सैनिक, तुम आगे की तरफ बढ़ते चलो। हे शांत चित्त होकर के अपने देश की खातिर निरंतर आगे की तरफ बढ़ते चलो। धन्यवाद।